नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स रक्षा एकेडमी में। और आज हम थिंकर्स के ऊपर ये मेरा चौथा वीडियो होगा। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आप सब्सक्राइब करने आपके लिए जरूरतमंद है तो ठीक है, वरना आप उन लोगों तक इस चैनल को शेयर करें जो अपने आप में किसी कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते हैं और जो MPPSC या किसी बड़े एग्जाम को क्रॉस करने के सपने देखते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। आज जो हम आपको तैयार करेंगे, आज जो हम जानेंगे, वो जानेंगे हम प्लेटो के बारे में और एथिक्स के थिंकर्स के ऊपर मेरे चौथा वीडियो है। इसके अलावा तीन वीडियो में ऑलरेडी आपका डाल चुका हूं, ठीक है, जिसमें महावीर, गौतम बुद्ध और चाणक्य, ये तीनों हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों को भी देख सकते हैं। और ये जो सारे वीडियोज हैं, मैं पूरी तरीके से MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में UPSC या अदर जो भी एग्जाम्स आपके मेन्स होते हैं जहां पर एथिक्स का सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड वीडियोज बना रहा हूं। हाँ, एक बात और, कई लोगों ने कहा है मुझसे कि वीडियोज लंबे होते हैं, तो मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं, वीडियो की लेंथ के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जितना कम से कम होता है उतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही आपको समझाता हूं, बट क्वालिटी के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। यहां पर प्लेटो का एक थॉट यहां पर लिखा हुआ है, एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, नंबरों पर नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जिंदगी में हम नंबर्स की वजह से, चाहे वो अकाउंट, चाहे आपके किसी परीक्षा में कोई नंबर हो या लोगों के साथ का जो नंबर आपके साथ होता है, उसकी वजह से बहुत सारे हम डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते और अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देते हैं। तो प्लेटो ने कहा है कि अच्छा निर्णय केवल और केवल ज्ञान पर आधारित होता है, उसमें नंबरों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जो प्लेटो के जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लेटो जो है वो सुकरात के स्टूडेंट थे, ठीक है, और ये यूनान के बहुत ही विख्यात दार्शनिक थे। अगर प्लेटो का नाम लिया जाए तो विश्व के सबसे बेहतरीन दार्शनिकों में से एक वो दार्शनिक थे। बाकी डिटेल आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपसे एथिक्स में या एथिक्स के अलावा कभी कभी आपसे हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है कि द रिपब्लिक किसकी बुक है, तो ये आपकी रिपब्लिक बुक प्लेटो की बुक है और इसमें साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। साम्यवाद यानी समाज के सभी वर्गों की समानता का सिद्धांत दिया गया है। दूसरी इनकी बुक है द स्टेट्समैन और थर्ड है द लॉज, जिसमें उन्होंने आदर्श राज की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, और सिंपोजियम भी इनकी एक रचना है। मैं आपसे कहूंगा इन चारों के नाम आप तैयार कर लें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आपसे सीधे रचना का नाम पूछ लिया जाता है और आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो इसकी हल्की फुल्की डिटेल भी आप ले लें, जैसे इसमें रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धांत है और द लॉज में आपका आदर्श राज की संकल्पना है। अगर आप आदर्श राज की मीनिंग समझते हैं तो आगे आप इसमें डिटेल में लिख सकते हैं। ये एथेंस के रहने वाले थे और इन्होंने जो न्याय के संबंध में अपना विचार दिया है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था और उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहां पे मैं पहले पढ़ता हूं, फिर एक एक चीज को आपको सामान्य भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक ग्रंथ लिखा है, ये हम जानते हैं। यह राजनीति शास्त्र में आदर्शवाद पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आदर्शवाद जो आपका होता है, इसको हम प्रत्ययवाद भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके प्रत्ययवाद का प्रयोग होगा। और अंग्रेजी में इसका शब्दार्थ समझा जाए तो इसका मतलब आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी एक आइडियल, यानी एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे हो, एक आदर्श राजनीति या आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो, उस पर आधारित है प्लेटो का यह ग्रंथ जिसका नाम है रिपब्लिक। इसमें आदर्श राज्य की संकल्पना दी गई है। प्लेटो के आदर्शात्मक राज्य के चार स्तंभ हैं, जो इस प्रकार है, जिस प्रकार अभी हमने चाणक्य के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उन्होंने आठ स्तंभ बताए थे। यहां पर आठ स्तंभ और सष्टांग सूत्र उन्होंने बताए थे। यहां पर उन्होंने आदर्श राज्य के चार स्तंभ बताए हैं, जिसमें पहला है आपका न्याय, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है साम्यवाद और चौथा है दार्शनिक शासक। चलिए अब एक एक को थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पर जो इन्होंने बुक में लिखा है, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर इसका साधारण भाषा में ट्रांसलेशन आपके लिए करूंगा। प्लेटो ने आदर्शात्मक राज्य के चार स्तंभ में सर्वाधिक बल न्याय पर दिया है। सामान्य तौर पर न्याय का अर्थ है न्यायालय द्वारा प्राप्त होने वाला न्याय, जो कानून और न्यायालय से संबंधित
होता है। यानी यहाँ पर साधारण भाषा जो नॉर्मली हम न्याय का मतलब या जस्टिस का मतलब समझते हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम या न्यायालय से प्राप्त जो न्याय होता है साधारण तौर पर हम उसे ही केवल न्याय मान लेते हैं। परंतु प्लेटो ने न्याय का मतलब नैतिकता की अच्छाई को बताया है, यानी कि जो भी नैतिक गुण, नैतिक कर्तव्य, नैतिक सदाचार हम अपने जीवन में जानते हैं, सुनते हैं, या जो हम आज नैतिक नीति शास्त्र में हम सब पढ़ रहे हैं, उन सभी को एक तरह से प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। वह न्याय शब्द को धर्म के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, धर्म को भी इन्होंने न्याय कहा है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा यहां से, ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि कभी अगर प्लेटो के न्याय संबंधी विचार आ जाए तो यहां पे ये तीन लाइनें आप लिख सकते हैं कि प्लेटो न्याय शब्द को धर्म के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, उनके अनुसार न्याय को कृत्रिम या बाह्य वस्तु मानना भूल है। उन्होंने ये कहा है कि न्याय कोई बाहरी चीज नहीं है कि कोई नियमावली किसी ने लिख दी तो हम उसको मानना शुरू कर देंगे, या किसी की बनाई हुई चीज है न्याय। न्याय वास्तविकता में इंसान के अंदर की नैतिकता, उसका सदाचार, उसकी नीति शास्त्र, उसकी इंसानियत, उसकी मानवता है, क्योंकि न्याय एक आंतरिक वस्तु है, यह आत्मा का अभिन्न अंग है। जैसे कि हमने, अगर आप एथिक्स के मेरे लेक्चर्स को देखें, वहां पे हमने अंतरात्मा को पढ़ा है, और अंतरात्मा जो होती है नैतिक निर्णय में और नैतिक मार्गदर्शन का कार्य करती है, आपका नैतिकता की ओर बढ़ने में आपकी सहायक होती है। तो इसी प्रकार यहां पर जो न्याय की संज्ञा प्लेटो ने दी है उसको उन्होंने अंतरात्मा का अभिन्न अंग बताया है। यह राज्य का केवल एक गुण ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा के समान है। तो न्याय को यदि राज्य के परिशिष्ट में देखा जाए तो यहां पर प्लेटो कहता है कि सिर्फ राज्य की कोई विशेषता नहीं है कि एक राज्य को न्यायशील या नैतिक होना चाहिए, बल्कि यह उसकी आत्मा है। एक राज्य श्रेष्ठ राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहां पर नैतिकता के आधार पर निर्णय लिए जाते हो, नैतिकता, समानता, सौहार्दता के आधार पर वहां पर साम्राज्य की स्थापना की गई हो, तभी वहां पर एक अच्छा साम्राज्य बन सकता है। इसलिए जो धर्म है, जो एक आपका न्याय है, एक प्रकार से उस राज्य की आत्मा है। यहां न्याय का तात्पर्य सभी व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करते रहें। यहां पर एक बात और उन्होंने कही, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कहा है कि न्याय का एक और तात्पर्य दिया है कि यदि सैनिक का धर्म रक्षा करना है, शासक का धर्म राज्य करना है, और बाकी जो व्यवसायी धर्म है उनका धनार्जन करना है, तो ये सभी अपने अपने कर्तव्यों को बिना एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए करते रहें। अगर ऐसा होगा, कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो सभी बड़े अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक अपने कार्यों को कर पाएंगे, और जब किसी राज्य में शासन अच्छा होगा, सुरक्षा अच्छे तरीके से होगी और समृद्धि अच्छे से होगी, तो उसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा कहना है प्लेटो का। अगला जो आपका वीडियो है, अगला जो स्लाइड है, इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेटो ने सबसे पहले मनुष्य की प्रकृति व प्रवृत्ति का अध्ययन किया, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। देखिए, यहां पर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसा कि मैंने आपको, अगर आप एथिक्स में मेरा लेक्चर देखोगे, वहां पर हमने अभिरुचि या एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है, तो ये कहा जाता है कि अभिरुचि जो है वो व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है, और यदि व्यक्ति अपने उस गुण को और ज्यादा प्रशिक्षण के माध्यम से या फिर अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बढ़ाता है तो उस फील्ड में या उस क्षेत्र में उसकी जो तरक्की है बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल भी मैंने उस वक्त दिया था कि अगर सचिन तेंदुलकर की रुचि क्रिकेट में थी और वो क्रिकेट में ही बढ़ा तो ही जाके वो नाम कर पाया। अगर सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर बनाने की कोशिश की जाती तो मे बी वो इतना अच्छा नाम नहीं कर पाता। तो यहां पर यही प्लेटो कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति और जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी आदत है, जो उसकी सोच है, जो उसकी अभिरुचि है, उसके अकॉर्डिंग, उसका अध्ययन करके यह निर्णय निकाला गया है कि व्यक्ति अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, और जब वह ऐसा कार्य करता है तो उसका कार्य सुव्यवस्थित होता है और तार्किक भी होता है, साथ में उसमें विशिष्टता यानी एक्सीलेंस भी होती है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। प्लेटो के अनुसार मुख्य रूप से मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है लालसा, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। सेकंड होती है साहस, दैट इज स्पिरिट। एंड थर्ड होती है बुद्धि, दैट इज विजडम। अब इन प्रवृत्तियों को कैसे प्लेटो ने आगे आपके लिए बताया है, मैं बताऊंगा। इन प्रवृत्तियों में से जिस प्रवृत्ति की प्रधानता मनुष्य में अधिक होगी वह उसी प्रवृत्ति वाला होगा, और दूसरी प्रवृत्तियां उसमें गौण हो जाती है। गौण होने का मतलब होता है कम हो जाना या अदृश्य हो जाना। इन्हीं मानवीय प्रवृत्तियों के अनुसार उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग का
विकास हुआ है। उत्पादक, उत्पादक जो होता है उसमें लालसा की प्रवृत्ति होती है। उत्पादक को आप बिजनेसमैन बोल सकते हो। बिजनेसमैन के अंदर एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती है कमाने की, धनार्जन करने की। तो जिसके अंदर उत्पादक वाली प्रवृत्ति होगी यानी लालसा होगी, वो व्यक्ति बिजनेस में आगे जाएगा तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और वो वहीं पर परफेक्टली काम कर पाएगा। दूसरा सैनिक, सैनिक की जो विशेषता होती है उसके अंदर होता है साहस, करेज। अगर एक सैनिक में करेज नहीं है तो वो सैनिक कोई सैनिक नहीं है, उसको सेना में जाने का कोई मतलब नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मौत से डरता है तो उसे बॉर्डर पे खड़े होने की जरूरत है ही नहीं है। तो यहां पर क्या कहा है कि जिस प्रकार की व्यक्ति की प्रवृत्ति हो उसी प्रकार के कार्य उसे करना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। तो सैनिक का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है साहस, और यदि आपके अंदर साहसी प्रवृत्ति है तो आप सैनिक हो सकते हैं। तीसरा होता है शासक, जिसमें होती है बुद्धि यानी विजडम एवं तर्क की प्रवृत्ति यानी रीजनिंग, विजडम एंड रीजनिंग जिसके अंदर होती है। द वन हु हैज द विजडम ऑफ थॉट्स एंड हु हैज द विजडम of reasoning, he would be the best प्रशासक in the language, okay? तो यहां पर प्रशासक जो है, जो आपका शासक है, उसमें बुद्धि और तर्क की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यदि बुद्धि और तर्क नहीं है तो वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों के ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के निर्णय नहीं ले पाएगा, विभिन्न विभिन्न की विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में एक सार्थक परिदृश्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनको इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। आत्मा की आवाज, इसको आप तैयार कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है। सॉरी, मैं इसको बैक करता हूं, गलती से हो गया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनको आप याद करिए, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। पहला इसमें कहा गया है आत्मा की आवाज। प्लेटो के अनुसार न्याय आंतरिक प्रवृत्ति है या आत्मा की आवाज है, ना कि बाह्य शक्ति द्वारा थोपी गई प्रवृत्ति है। जो नैतिकता होती है ना किसी व्यक्ति के अंदर, यहां पे नैतिकता से मतलब है आपका न्याय से, या जो उसका धर्म होता है, जो उसका सदाचार होता है। यदि किसी व्यक्ति से हम ये कहें उसे चोरी नहीं करना चाहिए तो ये हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। यदि हम किसी बच्चे से कहें नकल नहीं करना चाहिए, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं अंदर से यह ना करना चाहे। तो यही प्लेटो करना चाहता है कि यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो तो हम आपको एथिक्स के लेक्चर पढ़ा के ये नहीं बता सकते कि आपको भ्रष्टाचार करना है या नहीं करना है, आपको किसी के साथ में पक्षपात करना है या नहीं करना है। ये आपके अंदर की आत्मा की आवाज है। जैसी आवाज आपके आत्मा से आएगी आप वैसा ही काम करोगे। इस प्रकार न्याय को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, यह आंतरिक आवाज है। दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना, यहां पर एक और बात प्लेटो ने कही है कि यदि हमें न्याय की स्थापना करनी है तो उसके लिए शासक का दार्शनिक, दार्शनिक से यहां संदर्भ है न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण और बुद्धिपूर्ण। एक ऐसा शासक जिसके अंदर न्याय का ज्ञान हो, जिसे जिसे दर्शन का ज्ञान हो, जिसे लोगों को समझने का समझने की परख हो, जिसके अंदर सांवेगिक बुद्धिमत्ता हो ताकि वह लोगों की मनोस्थिति को समझकर उनके साथ में कर सके, ऐसे शासक के साथ ही न्याय की स्थापना संभव है। यदि किसी शासक में गुरूर होगा, घमंड होगा, पक्षपात होगा, रूढ़िवादिता होगी तो वो कभी भी एक राज्य में न्याय की स्थापना या सदाचार की स्थापना या नैतिकता की स्थापना नहीं कर पाएगा। विशेष कार्य का सिद्धांत जिन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है न्याय मनुष्य की तीन मूल प्रवृत्तियों का आधार पर समाज में तीन भागों में बांटता है, जो कि हमने ऊपर बताया भी है आपको, और जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कार्य करते हैं। ये तीन प्रवृत्तियां क्षुधा, विवेक और साहस। एक व्यक्ति भूख के लिए कुछ कर सकता है या भूख की वजह से कुछ भी कर सकता है, बुद्धि की वजह से भी कुछ कर सकता है और साहस की वजह से कर सकता है। ये तीन ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो लोगों को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो हो सकता है वो भूख उस व्यक्ति को किसी का मर्डर करने के लिए भी प्रेरित कर दे। विवेक, जो उसकी बुद्धि है, यदि उसकी बुद्धि में तर्कपूर्णता है, विजडम है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, सपने देखने की ताकत है, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बहुत ऊंची पोजीशन तक पहुंचाया जा सकता है। ये जो उसका विवेक है वह उसको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तीसरा होता है साहस। कमजोर लोग कितने भी हों लेकिन यदि वो परिस्थितियों से ना डरे, परिस्थितियों का डटकर सामना करें, तो ये जो साहस है ये व्यक्ति से कोई भी कार्य करा सकता है। तो किसी भी कार्य को करने के पीछे मुख्यतः प्लेटो के अनुसार तीन कारण होते हैं या तीन मोटिवेशन होते हैं। एक तो क्षुधा, दूसरा विवेक और तीसरा साहस। फिर इसके सब डिविजन बहुत सारे होते हैं जिसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। मैंने एथिक्स में इसके ऊपर मानवीय आवश्यकता के तौर पर एक वीडियो भी डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं।
एक व्यक्ति एक कार्य, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करने की जिम्मेदारी स्वयं ले एवं दक्षता से कार्य करे। देखिए क्या होता है, यदि कोई शिक्षक है तो वह पूर्णता अच्छे तरीके से शिक्षक ही रहे, तभी वो जाकर अच्छी शिक्षा दे पाएगा और उसमें भी वो दक्षता हासिल करे, दक्षता यानी एक्सीलेंस हासिल करे कि और कितने बेहतर तरीके से वो लोगों को पढ़ा सकता है और कितनी आसान भाषा में वो लोगों को समझा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक ही व्यक्ति सारे काम करने लग जाएगा तो वह किसी भी कार्य में निपुण नहीं हो पाएगा, एक्सीलेंस नहीं हो पाएगा। जब एक्सीलेंट नहीं होगा तो वो भी जो आगे ज्ञान देगा उसकी भी सार्थकता पूर्ण रूप में परिलक्षित नहीं हो पाएगी। इसके बाद में इन्होंने कहा है राज्य में व्यक्ति की उन्नति, बिल्कुल सही बात कहा है। अगर आज भी कहा जाता है कि जो हमारा राज्य होता है, जो देश का निर्माण होता है, वो एक व्यक्ति से पहले आपका व्यक्ति से परिवार, परिवार से आपका समाज, समाज से आपका राज्य और राज्य से आपका देश बनता है। तो जो बेसिक इकाई है, जो आपकी जड़ है या नींव है किसी भी समाज की और किसी भी देश की, वो एक व्यक्ति ही होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां पर साधारण भाषा में समझूं कि यदि हर व्यक्ति इस बात को ठान ले कि उसे स्वच्छता पर ध्यान देना है, कचरा कहीं नहीं फेंकना है, हर व्यक्ति अपनी ये जिम्मेदारी ले ले तो पूरा देश अपने आप साफ हो जाएगा। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि उसे अपने आप को स्वाभिमानी और अपने आप को योग्य बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, सिर्फ व्यक्ति अपने आप बस को बदल ले तो पूरा देश अपने आप बदल जाएगा। तो इस प्रकार प्लेटो ने कहा है कि राज्य की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्णतया व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है और राज्य का अस्तित्व वैसा ही होगा जैसे कि वहां के लोगों के समाज का अस्तित्व होगा, वहां के व्यक्तियों का अस्तित्व होगा। शिक्षा का बहुत ही महत्व उन्होंने दिया है आदर्श राज्य में, क्योंकि उन्होंने कहा है जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तब तक एक आदर्श राज की परिकल्पना एक मिथ्या है, एक झूठ है। क्योंकि यदि आपके अंदर शिक्षा का अभाव है तो आप सही और गलत, नैतिक और अनैतिक, सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाओगे, और यदि यह अंतर आप करने में असक्षम हैं तो वहां पर आदर्श राज की स्थापना असंभव है। न्याय के रूप, न्याय के दो रूप होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत न्याय और एक होता है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय से यहां पर प्लेटो का आशा है कि सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं के अंदर एक नैतिकता का पालन करना चाहिए कि वो स्वयं किसी और के साथ कुछ गलत ना करे, वह स्वयं किसी और के काम में टांग ना अड़ाए, वह स्वयं किसी की परिस्थितियों का उपहास ना करे। यानी पहली बात व्यक्तिगत नैतिकता इंसान, क्योंकि न्याय में पहले हमने स्टार्टिंग पढ़ा है कि यहां पर जो प्लेटो है, प्लेटो के न्याय का सीधा मतलब उसकी नैतिकता से है। तो यहां पर व्यक्तिगत न्याय जो होना चाहिए, व्यक्तिगत न्याय में व्यक्ति स्वयं के जो है स्वयं कुछ गलत डिसीजन ना ले, गलत निर्णय ना करे या गलत कार्य ना करे। दूसरा सामाजिक न्याय, और ऐसे समाज का भी निर्माण करे जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, किसी का शोषण ना हो, सभी को समानता प्राप्त हो और सभी के साथ में कल्याण की भावना के साथ में राज्य का निर्माण हो। दूसरा, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यह मैंने पहले ही बताया है। यदि व्यक्ति अपना अपना कार्य करना ईमानदारी से शुरू कर दे और उसकी जवाबदेही ले ले और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें तो स्वतः ही एक आदर्श राज की स्थापना हो जाएगी। न्याय एकता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। न्याय के सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों में सामंजस्य एवं एकता स्थापित करता है। यह न्याय एकता का सिद्धांत यह है। यहां पर नैतिकता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में जिस राज्य में न्याय की स्थापना हुई है वहां आपसी सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि यदि सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारा व्यक्ति में नहीं है तो उस राज्य में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है या कोई भी दूसरा बाहर का आके उसको तोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों में आपसी सामंजस्य और एकता के स्थापित करता है न्याय में एकता का सिद्धांत। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, ठीक है। नैतिक न्याय, प्लेटो के न्याय का संबंध नैतिकता से अधिक है और कानूनी कम है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो न्याय कानूनी अधिक दिखता है, नैतिक कम है। वर्तमान में देखिए यहां जो कहने का मतलब है ना, वर्तमान में जो न्याय होता है वो संविधान आईपीसी सीआरपीसी में जो लिखी हुई धाराएं हैं उनके आधार पर तय किया जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिले हैं उसने अपराध किया हो। यहां पर नैतिकता का स्थान बहुत कम है न्याय में। यहां पर केवल जो नियमावली है, जो संविधान है, सीआरपीसी आईपीसी, उसके आधार पर होता है। परंतु जो प्लेटो का न्याय था वो पूर्णतः नैतिकता पर आधारित था, नीति शास्त्र पर आधारित था, सही और गलत के माध्यम से ही लोगों को देखा जाता था, ना कि तथ्यों के आधार पर।
अब तीसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो प्लेटो के आदर्श राज संबंधी अवधारणा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं आपको पढ़ते हैं और बताते हैं इसमें क्या है। प्लेटो की आदर्श राज संबंधी अवधारणा एथेंस में व्याप्त अराजकता, अव्यवस्था एवं असंतोष का दम घोटने वाले माहौल को समाप्त करने की मंशा से उपजी थी। वह इन सब दोषों को समाप्त करके एक आदर्श राज की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, अब ये जो आदर्श राज की विशेषताएं उसमें क्या दी गई है, उसमें इन्होंने कहा है कि दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया है कि शासक के अंदर बुद्धिमत्ता, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, साथ में विजडम और साथ में आपकी रीजनिंग यानी बुद्धि और आपका तार्किक क्षमता सब होना चाहिए। और उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, शासक के लिए जनहित सर्वोपरि हो, शासक वही होना चाहिए। अब यहां पर मैं शासक को या आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो लोक सेवक को मैं शासक से अगर ऐड कर दूं तो लोक सेवक के लिए जो जनहित यानी जनता की सेवा है वही सर्वोपरि होना चाहिए। लोक सेवक के अंदर निर्णय क्षमता होना चाहिए, लोक सेवक के अंदर लोभ तृष्णा व विलास की प्रवृत्ति ना हो, और लोक सेवक जिसमें शासन करने की पूर्ण शक्ति हो। तो यहां पर जो आपको एथिक्स पढ़ाया जा रहा है इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि लोक सेवा में जब आए तो आपके अंदर ये सारे गुण हो। तो एक प्रकार से आप भी वर्तमान के शासक हैं। तो पहले जो प्लेटो ने शासकों के लिए गुण कहे वो आज आपके वर्तमान में आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं कि आपके अंदर जनता की सेवा का सर्वोपरि हो, निर्णय क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर हो, लोभ ना हो, तृष्णा ना हो, विलास की प्रवृत्ति ना हो, और शासन करने की पूर्ण शक्ति आपके अंदर हो, तभी आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। अगला इन्होंने दिया आदर्श राज में न्याय। तो इन्होंने फिर वही बात है, आदर्श जो मैं आपको बता चुका हूं, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का न्याय है। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है और सामाजिक रूप से दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, तो आदर्श राज स्थापित हो सकता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। नागरिकों के तीन वर्ग, आदर्श राज में नागरिकों के तीन वर्ग है, शासक, सैनिक और उत्पादक। ये तीनों भी मैंने आपको बताए हैं। शासक वर्ग पूरे राज्य में शासन करेंगे, सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा में योगदान देंगे, और उत्पादक वर्ग सामान, उपभोग और वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जो हमने शुरुआत में अभी इस वीडियो में पढ़ा है। स्त्री और पुरुष का समान अधिकार। प्लेटो के आदर्श राज में सभी वर्ग को समान अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। प्लेटो का कहना है स्त्री पुरुष में केवल शारीरिक संरचना का भेद है, उन्होंने स्त्री पुरुष में समान माना है। और यदि देखा जाए तो अभी जो हमारी 6 या 7 जो नौ सैनिक महिलाएं थी जो विश्व भ्रमण पर निकली थी, तो उनका पेपर में कल एक कटिंग में पढ़ रहा था, वहां पर जब वो उस नाव के ऊपर या उस मरीन के ऊपर चढ़ रही थी, तब उनका जो लीडर था उसने कहा था कि आप इस मरीन पे आने के बाद में यह भूल जाएं कि आपकी आप महिला हैं, क्योंकि समुंदर और ये जो बोट ये दोनों नहीं जानते कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो यानी स्त्री और पुरुष में जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो हम भेदभाव क्यों करें, ऐसा ही मानना था हमारे प्लेटो का। संपत्ति एवं परिवार में साम्यवाद। यहां पर अगर मैं सीधा समझाए तो उन्होंने कहा है स्त्री और पुरुषों के बीच में सामान्य व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात संपत्ति में उन्होंने कहा है कि संतान पैदा करने की दृष्टि से राज्य में विवाह नहीं होना चाहिए। एक अलग ही सोच थी उनकी, डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके बारे में। उनका यह मानना था कि बच्चों को जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको लेकर एक किसी कॉमन प्लेस पे एक आश्रम में रख दिया जाए, वहां किसी को यह पता ना चले कौन किसका बच्चा है, फिर उन सब बच्चों को साथ में पाला जाए, बड़ा किया जाए, फिर जिसके अंदर जो भी गुण हो, जिसके अंदर साहस हो वो सैनिक बन जाए, जिसके अंदर विलास लालसा हो वो आपका पूंजीपति बन जाए या फिर आपका व्यवसायी बन जाए, और जिसके अंदर बुद्धि और तर्क हो वो आपका शासक बन जाए। तो इस तरीके की एक उन्होंने आदर्श राज की स्थापना के लिए बहुत जो रिपब्लिक है इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कभी पढ़िएगा आप उसको। ऐसे मतलब इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर ही बनना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने छांटने के लिए बोला है कि जो व्यक्ति ऐसा ना कर पाए उसको समाज से अलग कर दिया जाए, श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम की स्थापना की जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, बस यहां पर शॉर्ट रूप से मैं ये समझा सकता हूं कि जब मैं की भावना ना आए और जो लोग हैं वो सारे बच्चे वो एक साथ अलग जगह पे पढ़े, स्त्री पुरुषों में बराबरी हो और बच्चों में भी बराबरी हो, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हो वो जाके अपने गुणों के अनुसार अपना जीवन यापन करे। तो लास्ट जो यहां पर चल रहा है, यहां पे थोड़ा सुन लीजिए, यहां पे जो इन्होंने लिखा है नीति मीमांसा जो इनकी है, एथिकल व्यूज ऑफ प्लेटो है, इन्होंने रिपब्लिक और फ्लेक्स में इन्होंने दी हुई है। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने पूर्णवाद का विचार प्रस्तुत किया, परफेक्टिज्म का इन्होंने दिया है। इन्होंने प्लेटो का मानना क्या था कि कोई भी जो व्यक्ति है उसके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि व्यक्ति परफेक्ट कैसे होगा। परफेक्ट व्यक्ति तब होगा जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना कार्य करेगा। जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी क्षमता है, अगर वो उसके अनुसार अपनी रुचि के अनुसार काम करेगा तो उसके अंदर परफेक्शन या फिर आइडियलिज्म
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहां पर अगर कभी आपसे प्लेटो का प्रत्ययवाद का सिद्धांत आ जाए तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्यय का मतलब या प्रत्ययवाद का मतलब, प्रत्यय का मतलब आइडियल होता है अंग्रेजी में, यानी आदर्श होता है, तो इसको प्रत्ययवाद को आप आदर्शवाद ही मान सकते हैं, यानी अंग्रेजी में इसका एक ही मतलब है आइडियलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद के आधार पर स्थापित किया है, उन्होंने कहा है, उनका दावा है कि न्याय, संयम, साहस और सौंदर्य जैसे गुणों को आदर्श रूप प्रत्यय जगत में, अब यहां पर प्रत्यय को आदर्श रूप के या फिर यहां पर आप प्रत्यय को आदर्श से या आइडियल से कहते हैं, यदि कोई आइडियल वर्ल्ड है तो उसमें आइडियल रूप से जो ये गुण है न्याय, संयम और साहस, ये आइडियल सुप्रीम जगह पर बैठे हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ गुणों में है, आदर्श जगत की सबसे बड़ी विशेषता है और वहां पर ये विद्यमान है, ठीक है। प्रत्यय को आप आदर्श से कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर ऐसे आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा प्रत्यय का मतलब तो होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो ये वो वाला हिंदी वाला प्रत्यय नहीं है, यहां पर प्रत्यय का आशय आपका जो है आदर्शों से है, या आदर्श या जो आइडियल हो सकता है उससे है, ठीक है, आदर्श स्थिति से है। किंतु प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करते ही व्यक्ति खुद उस सद्गुण को युक्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है, अगर सिंपल लैंग्वेज समझाओ, जब कोई व्यक्ति एक्सीलेंस को या आदर्श को या आइडियलिज्म को खुद में एक्सेप्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो उसके अंदर जो भी, चाहे वो नीति का गुण हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता का गुण हो, चाहे वो कोई भी न्याय हो, संयम हो, साहस हो, कुछ भी हो, यदि वो उसके आइडियल स्टेट को प्राप्त कर लेगा या श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर लेगा तो उसके अंदर वो गुण अपने आप ही भर जाएंगे। सुबह एक बात उन्होंने लास्ट में कही है, जो इनके जो गुण है वो अपने सुकरात से भी मिलते हैं, इन्होंने कहा है ज्ञान ही सदगुण है और ज्ञान ही अन्य सदगुणों के रूप में व्यक्त होता है। इसको सीधा कहा जाए कि प्लेटो ने नीति मीमांसा में सदगुणों को विशेष महत्व दिया है, उसने चार सदगुणों को नैतिक आचरण का आधार, जैसे विवेक, संयम, साहस और न्याय, ये जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पहले जस्ट मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्लेटो ने कहा है कि विवेक, संयम, साहस का यही अनुपात और सही अनुपात और सामंजस्य स्तर पर हो तो उस व्यक्ति के अंदर सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति बनने के गुण अपने आप आ जाते हैं। व्यक्ति के स्तर पर उसका मत है कि जो व्यक्ति अपने साहस और संयम को अपने विवेक के अधीन रखता है उसमें न्याय का सद्गुण उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है, यदि व्यक्ति के अंदर कोई साहस है और संयम है और उसको अपनी बुद्धि से, आपके पास समझ, सपोज आपके पास कोई पावर है, ठीक है, और आपके पास में उस पावर का यूज करने की ताकत भी है, और जब आप इस ताकत को अपने दिमाग से कंट्रोल कर लोगे तो उस वक्त आप जो भी निर्णय लोगे वो न्याय संगत निर्णय हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं जो पूर्णता उसके न्याय के आधारित थे। अगर देखेंगे इसमें न्याय जो एक वर्ड बार बार आया, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, न्याय का प्रत्ययवाद क्या है आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने राज्य की विशेषताएं क्या दी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, शासक व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इसका जो सिद्धांत है प्लेटो का ये आप तैयार कर लीजिएगा, और इस तरीके से इसकी बुक और रचनाओं को भी आप तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपके क्वेश्चन प्लेटो के इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और अगेन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका जो एक शेयर है वो किसी व्यक्ति को, निर्धन को, जो कोचिंग नहीं जा सकता है, जो नहीं पढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ने की एक उम्मीद दे सकता है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उन तक इसको शेयर करें, ताकि मेरी मुहिम उस गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके जो सक्षम तो है लेकिन इस समाज की मजबूरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है, और मेरा लक्ष्य को ही आगे बढ़े। मैं था आनंद मिश्रा, आप सबके लिए धन्यवाद, और आगे भी आप इन वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।